अस्सलामुअलैकुम, वेलकम ऑन बोर्ड। यार ट्रैफिक बहुत है, क्या करते हैं आप लोग जब ट्रैफिक में फंस जाते हैं? सब्र की गोली जेब से निकाल के मुंह पे रखनी पड़ेगी, और काफ़ी ज़्यादा रखी हुई है मैंने, और बहुत ज़रूरी है। सब्र की गोलियाँ हमें यूज़ करनी चाहिए, क्या ख्याल है? क्योंकि हम बहुत कम करते हैं, स्पेशली जब ट्रैफिक में स्टक हो जाए, राइट? और टेम्परेचर क्या हो रहा है, 89। अय्या, और साथ में ट्रक चल रहा है बड़ा सा, और ट्रैफिक जो है ना वो विदाउट एनी रीज़न बस कह रही है आज तो मूव नहीं होना। मैंने आप कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, क्या आप भी कभी ट्रैफिक में स्टक हुए हैं? प्लीज़ बताइएगा मुझे कि आप कैसे डील करते हैं। क्या आप भी पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, यूके में, कनाडा में, जहाँ जहाँ मेरी वीडियोज़ देखी जाती हैं, थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट कि आप अपना टाइम निकालते हैं और इतना वीडियो को वॉच करते हैं और फिर लाइक भी करते हैं। होपफुली आप सब्सक्राइब भी कर चुके होंगे और शेयर भी करते होंगे, राइट? सो मेरा क्वेश्चन ये था कि आप करते क्या हैं यार इतनी जब ट्रैफिक लगी होती है पाकिस्तान में? आप पाकिस्तानी लोग आप क्या करते हैं जब आप ट्रैफिक में लग जाते हैं, फंस जाते हैं? कैनेडियन क्या करते हैं, ठीक है? और इंडिया में लोग क्या करते हैं? क्या आप भी इसी तरह परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, या आप बिल्कुल काम रहते हैं? और नेपाल में कैसा होता है? आप अपने अपने डिफरेंट कंट्रीज़ में बैठ के मेरी वीडियो वॉच करते हैं, तो अपना एक्सपीरियंस प्लीज़ शेयर कीजिएगा, टेक्स्ट कीजिएगा कि आप लोग कैसे डील करते हैं, हाउ यू डील विद द ट्रैफिक, स्पेशली विद द हैवी ट्रैफिक। थैंक यू। ये आवाज़ आ रहा आपको आ रही होगी टियाओं की, ये ट्रक साहब है, मैं दिखाता हूँ आप। कभी आपने ट्रैफिक में गाड़ी चलाई है? या ट्रैफिक बम्पर टू बम्पर, बम्पर टू बम्पर, यू कैन डू एनीथिंग। ट्रैफिक में बंदा कैसे डील करे ट्रैफिक के साथ? ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, मगर ये सब्र की गोली जो है ना ये रखनी पड़ती है। देखिए बम्पर टू बम्पर लगी है विदाउट एनी रीज़न, देयर इज़ नो एक्सीडेंट, नो नथिंग। ह्यूस्टन में भी अब ट्रैफिक लग जाए ना, मैं तो भी खैर आउट ऑफ सिटी लिमिट हूँ, मगर ट्रैफिक लग जाए सही फिर नहीं खुलती सर। ये इसकी आनियाँ जानियाँ जो है ना वो पाकिस्तान में जैसे बिजली है ना उस तरह होती है। देखते हैं बस, ये ट्रक हैं जी साइड पे, इनकी आवाज़ जो है बहुत हैवी ड्यूटी किस्म की है, हालांकि ये स्मॉल ट्रक है अभी। और मैं पिछले 10 मिनट से 15 मिनट से इधर ही क्रॉलिंग कर रहा हूँ। इससे अच्छा बंदा पैदल चल के ना काम पर, आगे पीछे जहाँ भी जाना है ना बंदा पैदल वॉक कर ले या बाइक पे चला जाए। इट्स नॉट मूविंग एट ऑल, आई हैव नो आइडिया, देयर इज नथिंग इन द न्यूज़। तो मैंने कहा यार मैं हर दफ़ा एक टॉपिक पे वीडियो बनाता हूँ, तो आज चलते चलते अल्लाह ने ये टॉपिक दे दिया कि आप ट्रैफिक में ना एक वीडियो बना दें। माइंड में नहीं था मगर बनाना शुरू कर दिया। ये मेरे आगे जेटा की गाड़ी है, जेटा VW। और जब मैं ट्रैफिक में स्टक हो जाता हूँ ना, मैं क्या करता हूँ कि मैं जो है डिफरेंट साइन पढ़ना शुरू कर देता हूँ, कौन कौन सी गाड़ियाँ मेरे साथ आगे पीछे चल रही हैं वो देखना शुरू कर देता हूँ। टोयोटा मेरे पास से गुजर रही है, निसान अल्टिमा है, निसान जूक है मेरे साथ, शेवी सिल्वराडो है, लेफ्ट साइड पे एक और शेवी की गाड़ी है, हुंडई की गाड़ी राइट साइड पे वाइट गुजर रही है, और ये मोटरसाइकिल गुजर रहा है मोस्ट लाइकली हार्ले डेविडसन है, क्योंकि यहाँ पे शोरूम भी हार्ले डेविडसन का थोड़ा सा आगे जाके। सो ये जो आप जब आप गाड़ी ट्रैफिक आप किसी गाड़ी में हों, ट्रैफिक में स्टक हो जाए, तो बेस्ट क्या है कि आप जो है ना गाड़ियों के डिफरेंट मॉडल्स जो हैं इनके नेम्स वगैरह वो पढ़ना शुरू कर दें, तो आपकी अवेयरनेस में भी इजाफा होगा, ब्लड प्रेशर भी हाई नहीं होगा, और पता चलता रहेगा कौन सी गाड़ी कितनी पुरानी है, कौन सी नई आई हुई है, और किन कलर्स में गाड़ियाँ होती हैं, कौन कौन से इनके किस टाइप के रिम्स होते हैं। सो काफ़ी इंफॉर्मेशन में जो है ना इजाफा हो जाता है यहाँ पे ना। अगर मैं दिखा सकता हूँ तो गाड़ी चलानी भी पड़ती है, साथ साथ वीडियो बनाना क्वाइट डिफ़िकल्ट टाइम कि टफ है ये। यहाँ पे सलोन भी है लेडीज़ के लिए, आयशा सलोन एंड स्पा, तो आप में इसको जाना चाहे तो यहाँ पे है, ये सर्विस भी अवेलेबल है।
ये मार्केट है मैं जिससे गुजर रहा हूँ, राइट साइड पे भी कुछ है। विंडो मैंने बंद की हुई है क्योंकि बाहर से शोर बहुत आता है। ये कंस्ट्रक्शन कंक्रीट का ट्रक है, जा रहा है कंक्रीट कहीं लेके जा रहा है, और डिफरेंट बिल बोर्ड्स आप देख रहे होंगे, मेरी तो मजबूरी है देखना पड़ेंगे टाइम गुजारने के लिए। इस साइड पे फ्लैग है, ये अमेरिका का और टेक्सास का, लोन स्टार स्टेट का, बड़े आराम से हवा के अंदर जो है ना वो लहरा रहे हैं हवा की वजह से। और सो फ्रेंड पता चल गया रीज़न क्या है, अगर मैं जूम कर सकूं तो ये लेफ्ट साइड पे आप देखते जाएं, वो आगे फायर ट्रक है, एक या तो एक्सीडेंट हुआ है, इज एन एक्सीडेंट, और किसी की तबीयत ख़राब है। अभी मैं थोड़ा और क्लोज जाता हूँ और एक और शॉट लेता हूँ, दिखाता हूँ कि क्या चक्कर है यहाँ पे, अगर मैं कैच कर सकता हूँ तो। तो फ्रेंड ये फायर ट्रक खड़ा है यहाँ पे, कोई ना कोई मसला तो हो गया यहाँ पे। एक लाइन खोली हुई है इन्होंने, एक्सीडेंट हुआ भैया। वाह 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 वाह, अब हम खुली रोड पे चढ़ गए। अच्छा यहाँ एक कोने में दो शेल के गैस स्टेशन है, ये देखिए शेल है, एक राइट साइड पे भी है, एक ये है, एक ही इंटरसेक्शन पे दो शेल के गैस स्टेशन हैं, और ये इंटरसेक्शन भी ऐसा है जहाँ हर वक्त ट्रैफिक रहती है। तो आप घबराए नहीं है जब इंटरसेक्शन में फंस जाएँ, और जब गैस बहुत ज़्यादा यूज़ हो तो आप इजीली यहाँ से गैस डलवा सकते हैं। गैस मीन्स पेट्रोल, क्योंकि पाकिस्तान में गैस, इंडिया में गैस गैस होती है सीएनजी, और यहाँ पे पेट्रोल को गैस कहते हैं। सर ये स्कूल बस गुजर रही है, ये भी देख लें आप नज़ारे यहाँ के, स्कूल बस जा रही है, और पोस्ट ऑफिस की गाड़ियाँ भी, एक गाड़ी गुजर गई है, डिफरेंट गाड़ियाँ गुजर रही हैं यहाँ से, रेड लाइट पर ऐसे खड़ा हुआ जाता है। आप लर्न कर लें डिफरेंट डिफरेंट स्टफ़, क्या ख्याल है। बिल बोर्ड चलना शुरू कर देते हैं, हाथ चल रहा है, टेक्सास में कुछ पुरानी नंबर प्लेट्स भी हैं, कुछ ऐसी दिखती हैं। टैको बेल कोई खाना चाहे तो वो भी सर अवेलेबल है। अच्छा एक और स्टोर यहाँ पे आया है, जैक इन द बॉक्स, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।